सभी को राधे राधे। आज हम लोग पामेस्ट्री में एक खास कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन इसलिए बोला कि ये दो चार चिन्हों का समूह है जो कि जिसके भी हाथों में देखा गया है तो प्रबल राजयोग बनाता है। और ये अलग तरीके का राजयोग है, ये ऐसा है कि जिसके भी हाथों में है वो कई प्रकार के काम करता है और उन सब कामों में वो नेम एंड फेम पाता है। सारे के सारे काम उसके ऊंचाई तक जाते हैं। बट इसमें एक खास पॉइंट ये भी है कि ये साइन कभी कभी डिसअपीयर हो जाता है, तो उस दशा में वो जिस काम में हाथ डालता है वो थोड़ा सा डाउनफॉल ले लेता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें हमको पर्वतों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहला जो अपना पर्वत होगा वो है सन माउंट। सन माउंट कहाँ पर होता है? ये जो आपकी रिंग फिंगर आप देख रहे हैं उसके ठीक नीचे जो ये पार्ट है इसको सन माउंट या सूर्य पर्वत बोलते हैं, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका सूर्य पर्वत। दूसरा जो माउंट हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको बोलते हैं मरकरी माउंट या बुध पर्वत। वो होता है सबसे छोटी वाली फिंगर के ठीक नीचे, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, तो इसको मरकरी माउंट या बुध पर्वत बोलते हैं, बुध पर्वत, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सन माउंट पे एक स्टार फॉर्म करता है। स्टार सिक्स फेस वाला होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो यहाँ बनता है, ठीक है। सिक्स फेस होना चाहिए उसका और उससे उसको टच करते हुए आपकी सन लाइन आनी चाहिए नीचे। जैसे सन लाइन जनरली ऐसे आती है सन माउंट से, बट स्टार के नीचे से आए या स्टार के किसी भी पार्ट को टच करती हुई नीचे आए, चंद्र पर्वत तक या राहु के क्षेत्र तक या आगे भी जा सकती है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर बस ये है कि ये जो स्टार है उसको टच करती हुई सन लाइन आए आपकी। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब लकी बोलेंगे उसको, वो जिस भी बिजनेस में अपना हाथ डालेगा वो सब में सक्सेस होता चला जाएगा। अब देखिए जो पॉइंट हमने बोला था कि कब ऐसा नहीं हो पाता है, तो ये स्टार फॉर्म आप जो देख रहे हैं ये या तो गायब हो जाता है या फिर सन लाइन आपकी स्टार को टच नहीं करती है, कभी टच करती है कभी नहीं करेगी। तो ये ऐसे आप अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि सिर्फ ये होने से काम नहीं बनेगा, ये जिसके हाथों में होता है उसका एक पीरियड होता है, तो उस पीरियड में वो बहुत ऊंचाई तक जाता है, ठीक। लेकिन उसमें एक बोनस पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, वो अगर जुड़ जाता है तो ऐसा व्यक्ति स्थिरता भी प्राप्त करता है बिजनेस में। मतलब कि जैसे आज नाम हुआ तो एक साल बाद वो नाम डाउन नहीं होता है। जो अब दूसरा हम बता रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी व्यापार रेखा या बुध रेखा या मरकरी लाइन बोलते हैं इसको, जो बुध माउंट से नीचे आती है, उससे एक शाखा इस पॉइंट को या इस लाइन को टच कर दे अगर, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो मतलब वो ऊंचाई प्राप्त करता है उसमें वो स्थिर रहता है। मतलब वो काफ़ी सालों तक अपना नाम उसी ऊंचाई तक बना के रखता है। अगर ये नहीं होता है, इससे नहीं जुड़ती है ये लाइन, मरकरी लाइन से एक ब्रांच निकल के आपकी सन लाइन को अगर नहीं टच करती है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ सालों के लिए ऊंचाई तक जाता है। बट अगर ये लाइन टच कर देती है मरकरी लाइन से ब्रांच, तो ऐसा व्यक्ति कई सालों तक ऊंचाई पर बना रहता है, ठीक है। तो स्थिरता हमें ये लाइन दे देती है। ये नहीं है तो सिर्फ कुछ सालों के लिए होता है। अब चूंकि ये राइट पाम है आपका, राइट, सेम यही कंडीशन आपकी लेफ्ट पाम में भी बननी चाहिए, तब जाकर इसका पूरा असर पूरा फायदा मिलेगा। और इसमें एक और बोनस पॉइंट अगर हम जोड़ें, तो ये जो आप इंडेक्स फिंगर के नीचे ये पार्ट जो होता है इसको जुपिटर माउंट बोलते हैं, गुरु पर्वत, यहाँ पर भी अगर एक स्टार बन जाता है सिक्स फेस वो भी होना चाहिए, तो ये मतलब एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। मतलब ऐसा व्यक्ति तो फिर
हम तो कहेंगे कि बहुत ऊंचाई तक जाएगा वो। ये दो स्टार मरकरी लाइन से ब्रांच लाइन को टच कर जाए बस। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे से। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।